हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ह्यूज माइंड में। आज मैं आपको एक ही ट्रांसफार्मर से अलग अलग वोल्टेज कैसे निकाले या तैयार करें इसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट या 24 वोल्ट हम एक ही ट्रांसफार्मर से कैसे तैयार कर सकते हैं, ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ। इसलिए हमें 230 वोल्ट का 12012 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लेना है। दोस्तों इसके टोटल 5 वायर होते हैं, सेकेंडरी में 3 और प्राइमरी में 2। ये जो प्राइमरी के 2 वायर है इसमें हमें 2 पिन लगा देना है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में मैंने बीच बीच में बहुत सारे ट्रिक बताए हुए है, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या पार्ट हमें इस्तेमाल करना है, उसके नंबर वगैरह सभी इसमें डिटेल दिया है। अगर आप वीडियो स्किप कर करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों ब्लू वायर के बीच का रेड वायर हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए हमें उसे अलग कर देना है। ये जो ब्लू वायर है इनका इंसुलेशन हम अब निकाल देते हैं। इसके साथ हमें लेना है दोस्तों 6 एम्पीयर के 4 डायोड। मैं इनको निकाल देता हूँ। ये देखो, डायोड में एक तरफ निशान होता है और एक तरफ प्लेन रहता है दोस्तों। एक तरफ एक सिल्वर कलर की रिंग होती है और दूसरी साइड प्लेन होता है। तो जिस साइड में सिल्वर कलर की रिंग है वो साइड हमें फोल्ड कर देनी है दोस्तों, 2 डायोड की। कौन से भी 2 डायोड हमें रिंग के साइड से फोल्ड करने हैं। ये देखो 2 डायोड मैंने फोल्ड कर दिए है। अभी जो 2 डायोड बचे है उनका जो प्लेन साइड है वो हमें फोल्ड करना है दोनों का। ये देखो 2 डायोड का हमें रिंग वाला साइड फोल्ड करना है और 2 डायोड का प्लेन वाला साइड फोल्ड करना है दोस्तों। ये देखो इनके सिरे थोड़े लंबे हो रहे थे, इसको अभी मैं कट कर लेता हूं। अभी दोस्तों हमें ये दोनों डायोड ऐसे दोनों एक दूसरे के साथ सोल्डर कर लेते हैं। ये हमारा एक डायोड का जोड़ी तैयार हो गया है, ये देखो। अभी ये जो अपोजिट साइड वाले हैं, प्लेन साइड वाले जिनका हमने प्लेन वाला साइड बेंड किया है वो हमें वही आपस में सोल्डर कर देना है दोस्तों। इनका प्लेन वाला साइड आपस में सोल्डर हुआ है और पहले वाले का रिंग वाला साइड आपस में सोल्डर हुआ है दोस्तों। अभी ये देखो हमें ये दोनों जो हमने दोनों जोड़ियां बनाई है इनको आपस में सोल्डर कर देना है। और ये देखो हमारा ये ब्रिज वेव रेक्टिफायर तैयार हो गया है। इसके चारों के सिरे आगे है, अभी चारों के जो रिंग है वो आगे है। आपको भी ठीक ऐसे ही जोड़ना है दोस्तों। अभी ये जो साइड है हमारा निगेटिव है और ये पॉजिटिव साइड है। तो चलो अभी इसे हम ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं। ये हमें दोनों नीले वायर लेने हैं और एक यहाँ पर लगाना है दोस्तों और एक यहाँ पर। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा लपेट देते हैं और बाद में इसको अच्छे से सोल्डर कर देंगे। अभी ये देखो दोस्तों ये जो साइड है ये पॉजिटिव है दोस्तों, ये नेगेटिव है। ये प्लेन वाला साइड जो है वो नेगेटिव है और रिंग वाला साइड ये पॉजिटिव है। अभी हमें एक कंडेंसर लेना है दोस्तों, 4700 mFd 50 वोल्ट का एक कंडेंसर है दोस्तों। इसका नेगेटिव सिरा और पॉजिटिव सिरा अलग अलग अपोजिट साइड में हमें फैला देना है। ये देखो ये नेगेटिव है, ये पीछे की साइड लेंगे। जिस साइड में डायोड को निशान नहीं है वो साइड में हम नेगेटिव लेंगे, जिस साइड में डायोड को निशान है उस साइड में हम पॉजिटिव सिरा लगाएंगे। इसको अच्छे से सोल्डर कर देते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा कंप्लीट रेक्टिफायर विथ ट्रांसफार्मर।
अभी ये हमें पट्टा वायर लेना है दोस्तों, इसे पट्टा वायर कहते हैं। इसमें से हमें दो वायर लेना है, अभी इसको हम थोड़ा काट लेते हैं। यहां हम पॉजिटिव सिरा लगाएंगे, यहां नेगेटिव। हम नेगेटिव को काला वायर लगाते हैं दोस्तों, और ये जो ब्राउन वायर है ये हम पॉजिटिव को लगाएंगे। ये देखो अच्छे से अपना जॉइंट लग गया है। अभी ये पॉजिटिव है दोस्तों और ये नेगेटिव है। ये जो 12012 का ट्रांसफार्मर है दोस्तों, इसका ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक एक वाइंडिंग होता है दोस्तों 12 वोल्ट की, और यहाँ से यहाँ तक एक 12 वोल्ट की दूसरी वाइंडिंग होता है। अभी ये ट्रांसफार्मर हमें 24 वोल्ट का सप्लाई दे रहा है दोस्तों। अभी हमें एक हीट सिंक लेना है। इसमें हम ये ट्रांजिस्टर अभी फिट करने वाले हैं। ये ट्रांजिस्टर कौन से है, क्या है, इनके नंबर क्या है, ये कौन से नंबर के ट्रांजिस्टर है, ये आपको आगे पता चलेगा दोस्तों वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। हमें एक एक करके सभी ट्रांजिस्टर को अच्छे से टाइट कर लेना है स्क्रू की मदद से। ये देखो मैंने सभी टाइट कर दिए हैं। अभी इनका जो सबसे पहले वाला सिरा है, वो हर एक ट्रांजिस्टर का सिरा ऊपर की साइड में ऐसा फोल्ड कर देना है दोस्तों। और जितने भी हमने पॉइंट फोल्ड किए हैं उनको एक वायर से ज्वाइंट कर देना है। तो हमें वहाँ पर मेन सप्लाई यानी प्लस पॉजिटिव सप्लाई लगाना है, तो हम पॉजिटिव का वायर ही वहाँ पर लगा देते हैं दोस्तों। हर एक ट्रांजिस्टर के पहले पॉइंट पर हमें ये वायर लगाना है दोस्तों। अभी अच्छे से सोल्डर हुआ या नहीं, या कोई लूज कनेक्शन है, ये हमें चेक कर लेना है। अभी जो दो नंबर के सिरे हैं उनको हमें थोड़ा ऊपर की साइड करना है दोस्तों। ये देखो सभी को हमें ये जो हमारा ब्लैक वायर है दोस्तों, ये ब्लैक वायर सबको सोल्डर करना है दोस्तों। यानी हमें हर ट्रांजिस्टर के दो नंबर के पॉइंट पर यानी दो नंबर के लेग पर ग्राउंड सप्लाई देना है, क्योंकि हमारा ब्लैक वायर ग्राउंड का है। अभी हम कंडेंसर लेंगे और एक 7-वे कनेक्टर लेंगे दोस्तों। हमारे ट्रांजिस्टर 1 2 3 4 5 6 7 छः ट्रांजिस्टर है दोस्तों, और एक ग्राउंड का वायर, यानी हमें 7 वायर टोटल लेने हैं दोस्तों। हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, लगाने से पहले यानी फिट करने से पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो मैंने अभी मेन सप्लाई लगाकर इसका वोल्टेज लेना चालू कर दिया है। ये फर्स्ट पॉइंट पे हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, दूसरे पॉइंट पे हमें 6 वोल्ट मिल रहा है, तीसरे पॉइंट पे हमें 8 वोल्ट मिल रहा है, चौथे पॉइंट पे हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, पांचवे पे हमें 17.7 यानी 18 वोल्ट के लगभग मिल रहा है, और नवे पॉइंट पे हमें मिल रहा है 24 वोल्ट। यानी 24 को थोड़ा एक दो चार पॉइंट कम है दोस्तों। ये मेरा मल्टीमीटर का प्रॉब्लम है, थोड़ा वो ज़्यादा पुराना हो जाने की वजह से थोड़ा वोल्टेज कम बताता है। तो हमें 7 वायर ले लेने हैं दोस्तों।
सबसे पहला वायर हमें ग्राउंड को जोड़ना है, यानी काले वायर को, और दूसरा वायर पहले ट्रांजिस्टर के तीसरे पॉइंट को जोड़ना है, और आगे सभी ट्रांजिस्टर के तीसरे जो पॉइंट है, यानी हर एक ट्रांजिस्टर का तीसरा जो पॉइंट होता है, उनको एक एक करके सब वायर जोड़ने हैं दोस्तों। हर ट्रांजिस्टर के तीसरे पॉइंट को, यानी तीसरे लेग को हमें एक एक वायर लगाना है दोस्तों। ये देखो, मैंने सभी ट्रांजिस्टर को एक एक वायर लगा दिया है। अभी ये कंडेंसर मैं निकाल लेता हूँ। ये 470 mfd 50 वोल्ट के कंडेंसर है दोस्तों। इसका एक नेगेटिव पॉइंट है और एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव जो लेग है उसको हमें फोल्ड कर देना है। ये देखो, सभी को मैं फोल्ड कर देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये मैं PCB पर भी कर सकता था, लेकिन कैसा है, किसी किसी के पास, अगर आपके पास PCB नहीं है तो आप वो कर नहीं सकते। इसकी वजह से मैं ओपन ही करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा कर सके। ये देखो, हमें दो नंबर का जो वायर है, पहला तो हमारा ग्राउंड वायर है, दूसरे से लेकर सातवें वायर तक एक एक कंडेंसर के प्लस वाले लेग को एक एक वायर लगा लेते हैं। ऐसे एक एक वायर प्लस वाले लेग को लगाते हैं दोस्तों। और ऐसा फोल्ड करके इसको शोल्डर कर लेंगे, ताकि हम कनेक्टर में अच्छे से फिट कर सके। अभी ये दूसरा वायर लेते हैं दोस्तों। एक एक करके हमने सारे वायर अभी जोड़ दिए हैं। सबसे पहले ग्राउंड वाला वायर कनेक्टर में जोड़ देते हैं। उसके बाद सबसे पहला जो ट्रांजिस्टर हमने लगाया था उसका वायर जोड़ेंगे। सभी वायर्स हम सीरियल नंबर वाइज एक एक करके जोड़ देंगे। ये जोड़ने के वक्त हमारा कंडेंसर का ग्राउंड वाला सिरा है वो ऊपर आना चाहिए, ऐसा हमें जोड़ना है। एक एक करके हमने सभी वायर अभी लगा दिए हैं। अभी जो कंडेंसरों के ग्राउंड वाले सिरे ओपन हैं, उनको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये सभी सिरे हमने कनेक्ट कर दिए। ये देखो दोस्तों, कितना अच्छी तरह से बैठ गया है सब। अभी हमें यहाँ से ग्राउंड वायर को एक वायर जोड़ना है, ताकि ये कंडेंसर को ग्राउंड कर सके। अभी हम वो ग्राउंड वायर के साथ इसको जोड़ देते हैं। ये देखो दोस्तों, हमारा कनेक्शन अभी कंप्लीट हो गया है। ये अच्छे से देख लीजिए, मैंने कैसे कैसे कनेक्शन किए हैं। तो ये सबसे पहले हमने रेक्टिफायर बनाया था, कंडेंसर जोड़ा था, ये ट्रांसफार्मर और उसका 2 पिन। अभी हमें एक बोर्ड लेना है 4x7 का वुडन बोर्ड।
ऊपर हम ट्रांसफार्मर पहले फिट कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा फेविक्विक डाल के ये कंडेंसर उस पर चिपका देंगे। ये देखो ठीक से चिपक गया है अभी। उसके बाद जो हमने ट्रांजिस्टर्स का प्लेट बनाया था हीट सिंक वाला, वो उस पर लगा देंगे। ये लगाते वक्त एक ध्यान रखना है कि इसका नट या कोई स्क्रू ये कंडेंसर या डायोड के कनेक्शन में ना लगे। ये देखो सब दूर दूर है। अभी हम कनेक्टर भी इसके साथ में फिट कर लेते हैं। इसे भी हम स्क्रू से टाइट कर लेंगे। कनेक्टर को भी हम स्क्रू से फिट कर लेंगे। ये देखो दोस्तों सभी चीजें हमने बहुत अच्छी तरह फिट कर ली है। अभी सबसे पहला जो है वो ग्राउंड है, इसलिए हम यहाँ जी लिख देते हैं। सबसे पहले वाला 5 वोल्ट, उसके बाद वाला 6 वोल्ट, उसके बाद वाला 8 वोल्ट, उसके बाद वाला 12 वोल्ट, उसके बाद वाला 18 वोल्ट और सबसे आखिरी में 24 वोल्ट। हम अभी इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं दोस्तों। अभी मैंने ये देखो सबसे पहले पॉइंट में 5 वोल्ट दिखा रहा है, उसके बाद में 6 वोल्ट, ये देखो, उसके बाद में 8 वोल्ट, उसके बाद में 12 वोल्ट, उसके बाद में 17.7 यानी 18 वोल्ट के लगभग। उसके बाद में 23.2 यानी ये 24 वोल्ट ही है दोस्तों, लेकिन मल्टीमीटर में गड़बड़ होने की वजह से उतना बता रहा है। मैंने इसमें क्या क्या पार्ट इस्तेमाल किए हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये 12012 का एक 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है दोस्तों, उसके बाद 6 एम्पेयर के डायोड्स है, उसके बाद ये 4700 एमएफडी का 50 वोल्ट का कंडेंसर है, ये हीट सिंक है दोस्तों, सबसे पहले वाला ट्रांजिस्टर है 7805 5 वोल्ट के लिए, दूसरे वाला है 7806 6 वोल्ट के लिए, तीसरे वाला है 7808 8 वोल्ट के लिए, चौथे वाला है 7812 12 वोल्ट के लिए, पांचवे वाला है 7818 18 वोल्ट के लिए और 6 नंबर का है 7824 24 वोल्ट के लिए। और उसमें एक और ट्रांजिस्टर आता है दोस्तों 7809, आपको अगर 9 वोल्ट की ज़रूरत हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं और उससे 9 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको मेरा मोबाइल इस पर चार्ज करके बताता हूँ दोस्तों। ये देखो 5 वोल्ट पे मैंने इसका कनेक्शन लगाया है पहले सप्लाई में। ये देखो मोबाइल चार्ज हो रहा है, ये देखो सप्लाई निकालते ही चार्जिंग बंद हो गया। तो दोस्तों मेरे पास एक 12 वोल्ट का 9 वाट का बल्ब है, हम इस पे ये बल्ब चालू करेंगे दोस्तों। अब ये देखो मेरे पास इसका सॉकेट है, मैं इसमें सॉकेट लगा देता हूँ और इसका कनेक्शन हम यहाँ पर करेंगे। अभी सबसे पहले हमें एक वायर उसका ग्राउंड में जोड़ देना है।
ये मैंने एक वायर ग्राउंड में जोड़ दिया है इसका। अभी ये सबसे पहला 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट और ये 12 वोल्ट। तो अपना बल्ब 12 वोल्ट का है, इसलिए हम 12 वोल्ट में अपना कनेक्शन करेंगे। ये देखो, तो हम अब मोबाइल चार्जिंग और बल्ब एक साथ चलाएंगे दोस्तों दोनों। ये मैंने सप्लाई का पिन लगा दिया है, ये देखो बल्ब लगने लग गया है, अभी बल्ब जल रहा है। ये देखो मोबाइल भी नीचे चार्जिंग में लग गया है, ये देखो मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, ऊपर भी आप देख सकते हो। ये देखो, अगर आप 6 वोल्ट इस्तेमाल करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, 8 वोल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, 12 वोल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, 18 और 24 भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी एक कनेक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 एम्पेयर तक यूज़ कर सकते हो, यानी 5 वोल्ट अगर इस्तेमाल करते हो तो 1 एम्पेयर तक वो करंट आपको सपोर्ट कर सकता है। 12 वोल्ट इस्तेमाल कर सकते हो तो 12 वोल्ट 1 एम्पेयर तक वो सर्किट हमें सपोर्ट कर सकता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हो दोस्तों तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वापस आप वीडियो देख के सीख सकते हैं और ऐसा बना सकते हैं खुद से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम ऐसे ही वीडियो हमेशा डालते रहते हैं, आप कुछ न कुछ उससे सीखते रहोगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।